सीरियल ये है मोहब्बत की फेम एक्ट्रेस देवेंका त्रिपाठी धैया काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। हाल ही में उनका सीरियल जो है ये शो जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। एक यूजर ने उनकी एक फोटो पे कमेंट करते हुए लिखा है कि आप करण जौहर से दूर रहिए। वेल आखिरकार इस फोटो से करण जौहर का क्या लेना देना, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हरिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। काफी समय पहले बीच में खबरें ये आने लगी थी कि देवेंका त्रिपाठी जो है वो फिल्मों में अपना डेब्यू करने वाली हैं और इस बात को लेकर कई तरीके के कयास जो थे वो लगाए जा रहे थे। सो यहाँ पर बात कही जा रही है देवेंका त्रिपाठी की जो पर्सनालिटी निकल कर आ रही है, चाहे वो उनकी वेट लॉस की हो, चाहे उनकी फोटोशूट देख लीजिए, हर किसी में कहीं ना कहीं वो निखर के सामने आ रही है। अब ऐसे में यहाँ पर यूजर्स ने कमेंट करके कहा कि कृपया, बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला जो है वो बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है, तो आप ड्रग्स से दूर रहिए, साथ ही आप करण जौहर के पास तो कभी भूल कर भी मत जाइएगा अपना काम मांगने के लिए। तो यहाँ पर इस यूजर को देवेंका त्रिपाठी रिप्लाई करते हुए कहती हैं कि आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और जब से मेरे पिताजी जो हैं वो भोपाल छोड़ के वो मुंबई आई हैं, तो वहां से जिस तरीके से आई है, तो वो कभी नहीं चाहती कि उनके फादर का सर जो है वो कभी शर्म से नीचे झुके। तो वो हमेशा चाहती है कि उनके फादर का जो सर है वो गर्व से हमेशा ऊपर है। तो कभी वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से उनके फादर को इंसल्ट हो या उनकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर एक यूजर्स ने मतलब अलग अलग तरीके के कॉमेंट किए हुए थे। तो यहाँ पर एक यूजर ने ये भी लिखा था कि कभी बिना एक दिन मेकअप के और बिना किसी हेल्प के रहिए। तो यहाँ पर देवेंका त्रिपाठी लिख देती हैं कि सरकारी काम के लिए जाना था, इसमें तो मेकअप का कोई मतलब भी नहीं बनता, और अगर कुछ काम हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो कृपया अपने काम से काम रखिया गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि देवेंका त्रिपाठी जो है वो जवाब देने में पीछे नहीं रही है। वेल, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।